हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 7 का मराठी का जो आपका 6th वाला चैप्टर है मधमासी, यहाँ पे इसका जो कंप्लीट जो स्वाध्याय है यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस स्वाध्याय का सबसे पहला वाला प्रश्न देखते हो तो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि खालील प्रश्नाची एक दोन वाक्यात उत्तरे लिया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे गए हैं ए अ आ ई। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो इसका यहाँ पे सभी का जो आंसर है यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, प्रॉपर तरीके से पहले का आंसर यहाँ पे, ये सेकंड का आंसर, ये आपका थर्ड का आंसर, ये आपका फोर्थ का आंसर। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न देखते हो कि खाली दिलेला वाक्याशी संबंधित मुद्दे पाठाचे आधारे लिया। ओके, जैसे मधमासीची काम करण्याची पद्धत, तो यहाँ पे चार जो पद्धत है आपको लिख के दी गई है। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, तो ये चारों पद्धत को यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपका पहला आएगा, ये आपका दूसरा, यहाँ पे आपका तीसरा, और यहाँ पे आपका चौथा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कुटुंबातील मोठ्या व्यक्ति कडून मधाच्या उपयोगा विषयी अधिक माहिती मिळवा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो एंशियंट टाइम से ही जो मध है, मध का इस्तेमाल ऐसा मतलब एज अ ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था, यानी अगर कुछ हो गया तो मध का इस्तेमाल उसमें किया जाता था, क्योंकि ये एक ऐसा पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता है। अगर आप इसको जितना आप इसको ओल्ड टाइम तक रखते जाओगे, जितना ये पुराना होते जाएगा, इसके अंदर जो मिठास है उतनी ज्यादा वो बढ़ती जाएगी और इसका जो टेस्ट है और ज्यादा रिच होता जाएगा। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बहुत सी जो जानकारी है यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक चौथा है कि निसर्गातील खालील घटकातून तुम्ही कोणता गुण घ्याल त्यावी। ओके, जैसे नदी है तो नदी से आप कौन सा गुण सीखना चाहते हो, मुंगी से आप कौन सा गुण सीखना चाहते हो, सूर्य से आप कौन सा गुण सीखना चाहते हो, चंद्र से आप कौन सा गुण सीखना चाहते हो, पर्वत से आप कौन सा गुण सीखना चाहते हो, और वृक्ष से आप कौन सा गुण सीखना चाहते हो, ये सारी जानकारी यहाँ पे आप उत्तर में देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया है कि खालील यादीतून दिलेला शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग शब्द दिए हैं, जैसे निर्दोगी, अवगुण, आरसी, दुर्गुण। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसका जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। दोनों का जो आंसर है यहाँ पे आपको ये इसमें से ढूंढ के लिखना है जो ऊपर आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं। यहाँ पे आएगा दुर्गुण, आएगा यहाँ पे आएगा अवघड़, नहीं अवगुण आएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे करेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे आएगा निरुद्योगी, तो ये आप यहाँ पे भी करेक्ट कर ले, और यहाँ पे आएगा आरसी। तो ये सारी चीजें हैं जो एक इसमें अगर आप वॉइस कमांड करते हो तो यहाँ पे गलत हो जाता है, तो आप इस चीज को करेक्ट कर ले। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि खालील शब्दात काही अंक लपलेले आहेत ते शोधा, उदाहरण 60 आउटे। ओके, 60, विचार, एकर, सातपुते, 40 गांव, नितिन, आठवणा, सहाण, पांच पुते, नौवारी। ओके, तो सभी के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 7 है, इसमें 40 है, इसमें 3 है। ओके, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अलग अलग जो अंक है वो आपको यहाँ पे दिए हैं, और सभी के यहाँ पे जो आंसर है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जहाँ पे आपको पूछा गया है कि खालील शब्द पासून अर्थपूर्ण शब्द बनवा, उदाहरण मास, धीस, मधमासी, साठवण, उठाऊ और सड़ी का। ओके, तो यहाँ पे आप तीनों के जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, साठवण, ठाऊ और सकाड़ी, यहाँ पे इसको करेक्ट करके लिखा गया है, क्योंकि ये क्या है, इसके जो पैटर्न है वो गलत है, यानी इसको कहीं कहीं पे जो वर्ड्स है उसको मिसमैच किया गया है, यानी इधर अदला बदली की गई है, और यहाँ पे जो आपको एक प्रॉपर जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि जीवन फुला सारखे अतः दया पण ध्येय मधमासी प्रमाणे ठेवा, यासाठी कष्ट करण करत राहणे हाच एकमेव श्रेष्ठ मार्गी आहे। ओके, यानी अपने जीवन को फूल की तरह एक बहुत ही खिला हुआ सुगंधमय बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपका जो ध्येय है एक मध के माफिक, यानी जिस तरीके से मध जितना ओल्ड होते जाता है उतना ज्यादा वो रिच होते जाता है, और उतनी ही ज्यादा उसकी जो डिमांड है बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर आप कहीं अपने मम्मी पापा से अगर आप पूछोगे कि मद वो लेने जाते हैं तो उनके मन में क्या होता है, तो वो हमेशा अक्सर आंसर देंगे कि वो हमेशा देखते हैं कि मद जितना गाढ़ा होगा, जितना काला होगा, यानी वो उतना पुराना है और वो उतना सेहत के लिए फायदेमंद है। ओके, तो उस तरीके से वो देख के वो लेके आते हैं, क्योंकि मद में शुगर नहीं होता है जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो,
वो सिर्फ ऐसा एक जो पराग होते हैं, पराग से जो मधुमक्खियां रस चूस के लेके आती है, वो रस होता है, तो वो अपने बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप कभी भी हनी को कभी भी खा सकते हो, किसी भी सिचुएशन में खा सकते हो, किसी भी कंडीशन में आप हनी को खा सकते हो, ओके, और किसी के साथ भी खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा जो स्वाद है यहाँ पे खत्म होता है। आपको अगर इसमें कुछ डाउट लगा होगा तो आप प्लीज हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर ले, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए स्वाध्याय के साथ। थैंक यू सो मच।